शाहजहांपुर में थाना जलालाबाद के पास कोलाघाट पुल का हिस्सा टूटा। 2007 में बसपा शासन के दौरान बना था कोलाघाट पुल। शाहजहांपुर से बदायूं को जोड़ता है ये पुल। आगरा में चंबल नहर की माइनर टूटने से किसानों की सरसों गेहूं की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। नहर का पानी चारों तरफ किसानों के खेतों में भरा। पानी भरने से खेत तालाब बन गए। सहारनपुर में एक युवक को दूसरी शादी करना पड़ा भारी। पहली पत्नी ने शादी में पहुंचकर किया हंगामा। थाना जनकपुर क्षेत्र के राधा विहार का मामला। मथुरा में चार विदेशी महिलाओं समेत छह लोग मिले कोविड पॉजिटिव। विदेशी महिलाओं के संपर्क में आने से दो लोगों को हुआ कोरोना। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पॉजिटिव महिलाओं में ओमिक्रॉन वेरिएंट की कराई जा रही जांच। दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। अभी तक उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं। अलर्ट जारी कर पॉजिटिव मिले शख्स को आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट के बीच महाराष्ट्र में चौंकाने वाला मामला। ठाणे के वृद्धाश्रम में 55 बुजुर्ग कोरोना संक्रमित। सभी बुजुर्गों को लग चुकी थी कोरोना की दोनों वैक्सीन। सात और लोग भी कोरोना का शिकार। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया ओमिक्रॉन वेरिएंट में उसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा हुए बदलाव। इससे वैक्सीन की प्रभावशीलता हो सकती है कम। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन हो सकती है बेअसर। चंदौली में युवती से रेप के बाद हाईवे पर फेंका। युवती ने एक डॉक्टर और दो अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई की। नरसिंहपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर नशे की हालत में मिली थी युवती। देहरादून में वनिता आश्रम में नाबालिग लड़की से रेप। आश्रम की वार्डन ने थाने में दी तहरीर। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद में युवक की निर्मम हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को घर में किया कैद। टांडा कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी भोजपुर चौराहे का है मामला। सीतापुर के थाना मानपुर में दबंग प्रधान की करतूत का वीडियो वायरल। निर्वस्त्र कर युवक को थप्पड़ों से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में रिश्वत मांग रहा लेखपाल हुआ गिरफ्तार। बादा के एक सिपाही से रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। आरोपी लेखपाल के खिलाफ की जा रही है कानूनी कार्रवाई। बिजनौर में शख्स की हत्या का खुलासा। बेटे ने ही संपत्ति के विवाद में पिता पर धारदार हथियार से मारकर उतारा था मौत के घाट। थाना बड़ापुरा के धर्मुवाला गांव का है पूरा मामला। गाजियाबाद में घर से गायब युवक की मिली लाश। हत्या कर चेहरे को भारी चीज से कुचला गया। कौशाम्बी थाना एरिया का मामला। कन्नौज जिले में खेत पर मेड़ बांधने की मामूली विवाद में दबंगों ने की मारपीट। किसान को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बाकी दो लोगों की हालत गंभीर। गुरसाईगंज कोतवाली के बल्लूपुर गांव की घटना।